पूरे इंटरनेट पे इससे सस्ता और अच्छा उपाय गारंटी के साथ आपको बाल लंबा करने का कोई नहीं बताएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं की 90% सुंदरता उनके बालों से ही होती है, इसलिए इन्हें स्वस्थ और बेहतर रखना आवश्यक है। महिलाएं अपने क्षतिग्रस्त बालों का उपचार कर उन्हें झड़ने से रोक सकती हैं। बालों को सुंदर बनाना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन पार्लर जाना सभी के लिए संभव नहीं है। आपके बालों को लंबा और घना बनाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी हैं, जिसका उपयोग करके आप अपने बालों को लंबा और घना चमकदार बना सकती हैं। आज आप यहाँ महिलाओं के बालों के लिए कुछ ब्यूटी टिप्स भी जानेंगी, जिसे आप यूज करके अपने बालों के साथ साथ इन्हें घना चमकदार बना सकती हैं। लेकिन इसे कम लोग ही जानते हैं, जो कि आज हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक दोस्तों, कड़ी पत्ता फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर होता है, जो बालों के विकास में आपकी सहायता करता है और बालों को सफेद होने से भी बचाता है। इसके लिए आप आधा कप नारियल के तेल में एक मुट्ठी करी पत्ते के तेल को डालकर गर्म कर लें। जब पत्तियां सारी काली पड़ जाएं, तो तेल में से पत्तियों को छान कर इसे ठंडा कर लें और इसे एक बोतल में रख लें, और आप डेली इससे बालों में लगाकर मसाज करें। इसे सप्ताह में आप 2 बार अवश्य करें, इससे आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे। नंबर दो, मेथी। जी हाँ दोस्तों, मेथी के बीज का इस्तेमाल बालों को झड़ने से रोकने और बढ़ाने के लिए किया जाता है। मेथी के बीज का इस्तेमाल करने के लिए 1 या 2 चम्मच मेथी के बीज को पानी में 8 से 10 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। अब इन्हें मिक्सर में पीस लें, फिर इसमें 2 चम्मच नारियल के तेल को मिला सकते हैं आप। अब इस पेस्ट को अपने बालों और जड़ों में लगा लें, इससे आपके बाल तेजी से लंबे और घने होंगे। इसे लगाने के बाद आप गुनगुने पानी से बालों को धो लें। 1 हफ्ते तक रोजाना इस पेस्ट का इस्तेमाल करने से आपके बालों का जड़ों का रूखापन दूर होगा और बाल भी घने होंगे। नंबर 3, एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा तो है ही पोषक तत्वों की खान। ये सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, साथ ही ये बालों की सुंदरता को बढ़ाने में भी उपयोग में लिया जाता है। एलोवेरा में मौजूद पोषक तत्व रूसी को कम करने और बालों में प्राकृतिक चमक लाने में काम आते हैं। नंबर 4, अरंडी का तेल। दोस्तों, कोल्ड प्रेस्ड अरंडी के तेल के चिपचिपे गुड़ों के कारण यह बालों के झड़ने की समस्या को कम करता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन ई और फैटी एसिड मौजूद होने की वजह से यह बालों को बढ़ाने में भी मदद करता है। अरंडी के तेल का इस्तेमाल करने के लिए अरंडी के तेल और नारियल के तेल को एक साथ मिलाकर आप अपने बालों में लगा सकते हैं, और इसे आप चाहें तो गर्म करके गुनगुना होने के बाद भी आप लगा सकते हैं। ये मिश्रण बालों को जड़ों से लेकर छोर तक मजबूत करने में मदद करेगा। नंबर 5, हर्बल टी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी हर्बल टी हैं जिनका आप इस्तेमाल बालों के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रीन टी की। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बालों को टूटने से बचाने और उनको बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। इसके लिए आप 2 कप गर्म पानी में ग्रीन टी के पैक को 7 से 8 मिनट के लिए डुबो कर रखें। अब इस पानी को गुनगुना होने के बाद अपने बालों में लगाएं और आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें, और फिर बालों को ठंडे पानी से धो लें।